फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा मैं जब कॉटेज जो बात होती है, जैसे कि ये प्रॉपर्टी वाले आपकी, ये प्रॉपर्टी लाइन के आपके जो दो प्लॉट हैं, आपके यहाँ पे जो साइड में दो प्लॉट होते हैं, एक सेकंड प्लॉट है, एक ये ओनर का प्लॉट है। जैसे कि आप कोई अपना घर बनवाना चाह रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो उसमें लास्ट में जो क्या आ जाता है, टेरेस आ जाता है। टेरेस पर ये पैरापेट वाल आ जाती है। तो पैरापेट वाल पे हमने इसको टेबल बनाया है, इसको थोड़ा वो टेबल बना देंगे कॉर्नर से, यहाँ से टेबल बना देंगे। तो इसलिए कॉर्नर टेपर इसलिए बनाया जाता है ताकि जो वाल होती है, ये वाली जो वाल है पहले से, जो दूसरी बिल्डिंग है पास वाली जो बिल्डिंग है, ये थोड़ा हाई है, ये मतलब ये हाईएस्ट है, इस लेवल से ये हाईएस्ट है। तो इसमें क्या होगा, जब भी बारिश का पानी इस वाल से आएगा, इस टकराएगा, तो पानी इससे रिसता हुआ साइड में जाएगा, जॉइंट में आएगा। तो यहाँ पे जो भी गैप होगा, जो भी थोड़ा भी गैप हो या फिर बीच में बन जाता है, तो वो पानी कहाँ जाएगा, बीच में जाता रहेगा, दीवार में रिसता रहता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो पानी बीच में जाता है, तो वाल के अंदर दीवार में जितना भी होता है बीच में पहुँचता रहता है। तो इस तरह से हमने बीच में जॉइंट भरा के करवा दिया है, वाल के बीच में जॉइंट में जाता रहता है। तो इस तरह से जैसे ये टेपर कर देंगे, अगर जो भी ज़्यादा गैप होगा तो कंक्रीट से फिलअप कर देंगे, उसके बाद फिर सीमेंट मोर्टार से इसको टेपर कर देंगे। उसके बाद फिर सीमेंट जो पेस्ट रहेगा, उसके सीमेंट जैसे घोला डाल के इसको प्रॉपरली से टेपर कर देंगे, ताकि जो सीमेंट का पानी है इसमें दीवार से रिख के इसके गोले से आ जाए और पैरापिट के टेरेस पर आ जाए, छत पर आ जाएगा पानी। इससे क्या होगा, जो भी पानी के अंदर जो नमी होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सीरियल में नमी आ रही है ऊपर से, ठीक है। ऊपर क्या होगा, ब्रिक कोबा की जैसे कहीं पे भी कोई कटाई होगी, जहाँ से भी पानी रिसेगा वो छत में आएगा, छत में की वजह से नीचे सीलर में आएगा, वो साइड में जा सकते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं आप, ये सब सीलर में नमी आई हुई है, ये प्रॉपर्टी वाल है, साइड की जो वाल है इस बिल्डिंग की, ये साइड की वाल होगी। इसमें बीच में जो भी गैप होगा, बीच में जो वाल जो जॉइंट होता है, ये हमारी बिल्डिंग की लाइन है और वो दूसरे वाले की लाइन होगी, वाल होगी। तो उन दोनों के वाल में अगर गैप होता है तो पानी कहाँ से आएगा, इसके अंदर पानी जाएगा बीच में से, तो पानी कहाँ और नमी आएगी उसमें, नमी से अंदर पेंट, यहाँ पे अंदर नमी आएगी, नमी से पेंट खराब हो जाता है। तो इस वजह से रीज़न क्या है सभी का, ये पेंट से हुआ है, ये सभी रीज़न क्या है, नमी की वजह से हुआ है, ये सब नमी की वजह से हुआ है। जब भी यहाँ पर देख रही है प्लान है, फिक्स है, यहाँ पर ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, नमी की वजह से यहाँ पर पेंट खराब हो चुका है, ये सब नमी की वजह से आया। कोशिश करना चाहिए कि जो भी ये टेपर बना दे, जैसे कि यहाँ पे इस तरह से है, कोशिश करना चाहिए कि ये गोला इस तरह से टेपर कर ले, ताकि जो भी बारिश का पानी होगा वो आसानी से बाहर टेपर होकर आसानी से दीवार से बाहर निकल जाए और आपको टेरेस छत पर आ जाए। बस यही पॉइंट था बेसिक आपको क्लियर करने का। तो अगर आप वाल बना रहे हैं, बनाते टाइम चुनाई कर रहे हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि इस पर पोलोथीन लगा दें वाल के ऊपर। पोलोथीन लगा देंगे तो उससे क्या होगा, जो भी आप अपने अंदर घरों में को भी चुनाई कर रहे होंगे, उस पर तराई करेंगे, प्लास्टर करेंगे, तो वो नमी दूसरे की वाल पे नहीं जाएगी। अगर यहाँ पे पानी चलता रहेगा तो नमी इसकी जो दीवार की जो नमी होगी, जो चुनाई करेंगे आप, उसकी नमी दूसरी दीवार में पहुँच जाती है। तो इस वजह से उसके दीवार के अंदर पानी आएगा, फिर वो आपसे बोलेगा इसके लिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।